अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज का वीडियो जो है बेसिकली एक शॉपिंग हॉल है जो कि मैंने कल की सारा कल लोटी मचाई, खूब खूब लूटा हस्बैंड को। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं अपनी कल की शॉपिंग। कुछ शॉपिंग जो है वो मेरी सासू माँ लाहौर से करके आई थी, वो लाहौर गई हुई थी तो कल वो लाहौर से वापस आई, और कुछ मैंने यहाँ सिटी से ही की। तो ये जो कंटेनर्स हैं सारे ये वो लाहौर से ही लेके आई हैं। डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स हैं, कुछ एयर टाइट जार्स हैं, कुछ एयर टाइट बॉक्सेस हैं, आइस क्यूब ट्रेज हैं, एग ट्रेज हैं, और जी डिफरेंट आइटम्स हैं किचन के यूज़ के लिए जो कि हमारे रेगुलर यूज़ में रहती हैं। और ये जी मेरे बच्चों की फरमाइश कि हमें लाहौर से अपनी दादों से फरमाइश की कि डोनट्स ला के दो, तो चले जी ये इनके डोनट्स भी आ गए। और ये हो रहा जी हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने आज मंगवाई जी हलवा पूरी, और ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म हलवा पूरी खाने का अपना ही मज़ा है। तो पूरियों के साथ जी चने और हलवा और पूरियाँ बहुत ही मजे की, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी होती है यहाँ की। और ये हो रहा है जी आज ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज एक्चुअली शॉपिंग करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरे हस्बैंड के जो कज़न है उनकी हो रही है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की जो सेरेमनी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी है, और ज़्यादा लोग भी इन्वाइटेड नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जी इसी बहाने लगे हाथों हम भी अपने हाथ साफ यानी कि जेब पे हाथ साफ कर लें हस्बैंड साहब की। तो ये है जी मेरी बेटी साहिबा का ड्रेस जो कि मैं लेके आई हूँ इंगेजमेंट पे पहनने के लिए। बहुत ही प्यारा है, नाइस कलर है, डिसेंट सा है, उसको ज्यादा ब्राइट कलर्स और ज्यादा चमकीले भड़कीले बीड्स वाले ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद, और मैं भी बहुत कम ऐसे कपड़े पहनती हूँ। लेकिन हस्बैंड साहब जो है मेरे उनको बड़े पसंद है, कहते नहीं ऐसे ही ब्राइट ब्राइट से कलर्स पहना करो। तो ये है मेरी बेटी का एक और ड्रेस, ये मैंने स्टिच करवाया था, ये टेलर के पास पड़ा था तो अभी मैं उठा लाई। और ये एक अदर स्टॉलर है, स्टॉलर जो है ये हर ड्रेस के साथ वैसे इस कलर का स्टॉलर मैच कर जाता है, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया। स्टॉलर्स तो जितने कम ज्यादा हो उतने कम होते हैं, तो इनका तो ढेर वैसे ही लगा हुआ है, पूरी कबर्ड में लटके होते हैं हर जगह। और साथ ही ये मैंने एक टाइट्स ली थी गोल्डन कलर में या फैंसी में, ये भी हर किस्म के ड्रेस के साथ बहुत ईजी मैच कर जाती है और अच्छी लगती है ये भी। तो ये थी बेटी साहिबा की शॉपिंग। और ये जो पैंट है ये है भी मेरे बेटे साहब का, साहब की, और वो जो है उनकी शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो अभी वो जस्ट 13 के हैं और दिखते वो 18 के हैं, और अपनी एज से बड़े हो गए, तो इसीलिए बड़ी मुश्किल होती है उनके साइज के कपड़े खरीदने में, क्योंकि उनके शोल्डर्स काफी जो है वो स्मार्ट से हैं लेकिन लेंथ काफी है। शोल्डर पूरे करती हूँ तो लेंथ कम हो जाती है शर्ट्स की, शर्ट लेंथ पूरी करती हूँ तो शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे उसके कपड़े खरीदते हुए। और ये छोटू लाल के कपड़े हैं, और बॉयज की शॉपिंग करना वैसे ज्यादा आसान होती है गर्ल्स की निस्बत, क्योंकि गर्ल्स की बहुत सारी चीजें होती हैं, कलर्स देखो, ये देखो, वो देखो, तो बड़े सियापे होते हैं गर्ल्स के। बॉयज की शॉपिंग करना मुझे बहुत ईजी लगता है और 1 मिनट में हो जाती है, और बॉयज जो है वो ज्यादा चूजी भी नहीं होते गर्ल्स की तरह। गर्ल्स बहुत ज्यादा नखरे करती हैं, मैं नहीं करती वैसे लेकिन मेरी बेटी साहिबा बहुत करती है। तो चलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपको। और इसमें एक मेरा मस्टर्ड कलर का मेरा ड्रेस है, और ये सी ग्रीन एक शर्ट थी, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने ये भी ले ली, कैजुअल यूज के लिए है वैसे। और मेरी बेटी साहिब की भी सेम सिचुएशन है अपने भाई की तरह, वो भी भाई ग्रोथ करने पे जोर दे रही है, दोनों में 1 ईयर का ही डिफरेंस है, तो माशाल्लाह। लेकिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और क्या चाहिए माँ बाप को। और एज से पहले लंबे हो गए क्या कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाइट ना बढ़े तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये है जी मेरा ड्रेस जो कि भाई मेरे हब्बी जी की पसंद पे आज मैंने लिया मस्टर्ड कलर में, और उनको बहुत पसंद आया, कहते हैं यही लेना है। आज वो मेरे साथ ही गए शॉपिंग पे फर्स्ट टाइम जिंदगी में, पहली दफा, जब से मेरी शादी हुई पहली दफा मेरे साथ गए हैं और ये शॉपिंग करा के लाए हैं मुझे। मैंने कहा और मुझे क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए नाखून। तो कल एंगेजमेंट की भी मैं कुछ वीडियो शूट करूंगी, है तो छोटी सी ही लेकिन दिखाऊंगी आपको जरूर। और ये चले जी आपको दिखाती हूँ,
ये है उनकी शर्ट, वो लेके आई है कल लाहौर से। मेरी नंद वो उनको शौक चला था, उनको बस ज्यादातर शौक होता है सिंपल शर्ट्स लेने का, तो ये वो वहां से लेके आई है और एक शाल भी लेके आई है और कुछ विंटर के लिए भी लेके आई है। तो ये हो रही है जी हमारी मिक्स शॉपिंग, हर तरह की इसमें चीजें शामिल है, कुछ एंगेजमेंट के ड्रेस, कुछ कैजुअल यूज के, कुछ किस तरह के और कुछ किस तरह के, ब्ला ब्ला ब्ला, हर तरह की हमारी शॉपिंग इसमें इंक्लूड है। ये एक शॉल है, बड़ी प्यारी सी, इस पे मिरर्स लगे हुए हैं। और ये है जी मेरी सिस्टर-इन-लॉ का एंगेजमेंट पे पहनने का ड्रेस, और ये भी बहुत नाइस सा कलर है और बहुत प्यारा सा। और ये है कुछ खद्दर के ड्रेसेस, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ज्यादातर खाड़ी के ही हैं, कुछ टू पीस हैं, कुछ थ्री पीस हैं। तो ये कल हमने की है कल की शॉपिंग, और उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैंने सोचा भी इनको क्या खोल खोल के मैं आपको दिखाऊं, पूरा इधर बाजार बनाऊं, तो मैंने सोचा इनको ऐसे पैक ही रहने दो ताकि काम ज्यादा बढ़े ना, और आप लोगों को भी दिखा दूं और मेरा काम भी हो जाए, आपका काम भी और हम सबका। तो ये था आज का वीडियो, मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।